माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एडीएम ने अवैध खनन, आबकारी, गोवंश और खाद्य विभाग के मामलों में 40 वाहनों सहित 3.17 करोड़ की प्रॉपर्टी राजसात की है। इसके अलावा 37,30,000 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के अनुसार जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्यवाही की गई है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने अवैध खनन, आबकारी, गोवंश, खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि से जुड़े मामलों में दो पहिया से लेकर ट्रक डंपर जैसे 40 वाहनों सहित 3,17,00,000 रुपए की संपत्ति राजसात की है। इसके अलावा अवैध खनन पर 33,65,000 रुपए, अमानक व मिथ्या छाप खाद्य पदार्थों के कारोबार में 3,65,000 सहित कुल 37,30,000 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। जो यहाँ माफिया विरुद्ध अभियान चल रहा है उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी अनुक्रम में हम लोगों ने जो खनिज अधिनियम, इसके अलावा आबकारी एक्ट और गोवंश अधिनियम और इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करके 40 वाहनों को राजसात किया है, जिसमें जो बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, मध्यम गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत कुल लगभग 3,25,00,000 रुपये होती है, वो राजसात करी है शासन पक्ष में। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 37,00,000 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो मिलावट हो रही है उनके विरुद्ध है और माइनिंग वाले के विरुद्ध है। इस तरह एक बड़ी कार्रवाई करी है। इसके अलावा जो आपको याद हो, मनोज जैन और अनिल जैन के जो हम लोगों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया था, जिसमें लगभग 700 क्विंटल चावल था, उसके दो ट्रक और 700 क्विंटल चावल को भी हमने राशत करने की आज कार्रवाई की है।